आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश और देश में युवाओं की नौकरी ना मिलने का मुद्दा प्रमुखता से उठाएगी। रविवार को जय जवान अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध का पोस्टर जारी करते हुए कांग्रेस पदाधिकारियों ने अग्निवीरो योजना को निरस्त कर स्थायी किए जाने की मांग उठाई। रविवार को कांग्रेस की युवा विंग राष्ट्रीय छात्र संगठन के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अभिनव कुमार, प्रदेश महासचिव अंशुल यादव व कानपुर विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष अभय कठेरिया ने शहर कांग्रेस कमेटी कानपुर के अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी की उपस्थिति में जय जवान अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध का पोस्टर जारी किया। उन्होंने मांग उठाई कि वर्ष 2019 से 2022 के बीच सेवा में चयनित 1.5 लाख अभ्यर्थियों की तत्काल ज्वाइनिंग हो और स्थायी सेवा भर्ती की बहाली व अग्निपथ योजना तत्काल निरस्त करते हुए वर्तमान अग्निवीरों का स्थायी प्रबंध किया जाए। राष्ट्रीय छात्र संगठन नौजवानों के हक की लड़ाई को प्रत्येक कॉलेज में कोचिंग सेंटर एवं स्पोर्ट्स एकेडमी और रोजगार कार्यालय के बाहर हस्ताक्षर अभियान चलाएगा और लोगों को इस अंधकारी योजना को लेकर जागरूक करेगा। राहुल गांधी का संदेश पहुंचाएगा कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने पर तुरंत इस योजना को समाप्त किया जाएगा। महासचिव अंशुल यादव ने बताया कि अग्निवीर योजना के विरुद्ध सोशल मीडिया में अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक कॉलेज में इस योजना का विरोध करने के लिए न्याय योद्धा ग्रुप तैयार किए जाएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल भी कराया जाएगा। भर्ती स्थायी रूप से होती थी, उसको मोदी सरकार ने अग्निवीर का जो रूप दिया है, इसे 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती कर दी गई है, जिसका कांग्रेस और सारे युवा मुखरता से इसका विरोध करते हैं। और राहुल जी और रेणुसर का ये कहना है कि अगर इसको वापस नहीं लिया गया है तो युवा सड़क पे प्रदर्शन करेंगे, और अगर सरकार हमारी 2024 अगर आती है तो इसको पहली दिन मतलब पहली कैबिनेट में इसको वापस करके स्थायी रूप से इसको दोबारा से सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा।